हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसमें हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। और आपको आई होप ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। हम थर्ड पार्ट में क्या देखने वाले हैं? फॉर्मूलाज किसके? अकाउंटिंग क्वेश्चन के। अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में पहले हमने इसकी टर्म्स पढ़ी थी। टर्म्स पढ़ने के बाद हमने ये देखा था ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है, कितने आइटम्स को इफेक्ट करती हैं और कैसे इफेक्ट करती हैं। हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पहले सीखा था मेनली अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। ये हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होते हैं जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इक्वल करती हैं। एसेट एंड लायबिलिटीज किसकी? एसेट एंड लायबिलिटीज फर्म की। फर्म मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो इक्वल है। सेकंड चीज हमने ये देखा था हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे कैसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है? ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ये पढ़ा था हमने। आई होप आपने सबने मेरी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग, इसमें हमने टू आइटम्स पढ़े थे। टू आइटम्स पर इफेक्ट करती है ट्रांजेक्शन और मोर देन टू आइटम्स को इफेक्ट करती है, ठीक है? ये कैसे करे थे हमने? जैसे कि टू आइटम्स को इफेक्ट किया एसेट लायबिलिटीज को, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, सेकेंड वीडियो में हमने देखा था, हमने क्वेश्चन किए थे हम दो क्वेश्चन सोल्व किए थे सेकेंड वीडियो में, जो इससे प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप वो आपने अच्छे से समझे हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जल्दी से मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं टेलीग्राम पर आपको इस वीडियोस के जितने भी, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पॉसिबिलिटीज हुई है जो एग्जाम्स में आए हैं 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास होता है उसमें स्कूल ही, टीचर्स ही आपके पेपर बना दिए हैं, बोर्ड तो है नहीं उसमें। तो जो भी आपके क्वेश्चन पॉसिबल हैं कि बने हैं या फिर आए हैं अभी तक, जो सबसे हार्ड से हार्ड है, वो मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम पर सेंड करूंगी। आप वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड है या इक्वेशन बेस्ड है, वो सारे क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक सेंड किया था टेलीग्राम का, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोज को, देख रहे होंगे और अकाउंट्स को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है? ऐसे ही मेरी वीडियोस को आगे आपको मिलती रहेंगी और आपको देखने का मौका मिलता रहेगा। फर्स्ट, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमने कल भी सीखा था, जिसमें हमने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इनको इक्वल किया था। जो बिजनेस की एसेट थी उसको हमने किसके इक्वल किया था? लायबिलिटीज और कैपिटल के, ठीक है? नेक्स्ट, बिजनेस में प्रॉफिट फाइंड करना होता है, मोटिव ही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, आपने कोई कोर्स यानी कि 100 रुपीज की कोई गुड्स खरीदे हैं, उसको आपने सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया आपका 200, तो डबल हो गया 150 ले लेते हैं, कितना हो गया यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो गया 50 रुपीज का, क्लियर है? तो बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस में हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है? प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग मीन्स एंड ऑफ द ईयर, क्या होता है ये? एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? जो आपकी ईयर के एंड पर कैपिटल होती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको पता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा होता है? 1 अप्रैल to 31 मार्च, क्लियर? आप सभी को ये चीज पता है, हमारा जो न्यू ईयर होता है, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च पर एंड हो जाता है। तो यहीं पर ही हमारा फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पर फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को आप जिससे बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। बिजनेस करते रहे आप कंटिन्यूअसली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कंटिन्यूअसली आप 31 मार्च तक पहुंच गए, तो 31 मार्च वाले दिन जितनी आपकी कैपिटल थी दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्लियर? तो 31 मार्च को जो कैपिटल थी वो थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल और 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो थी आपकी ओपनिंग कैपिटल। आपने बिजनेस शुरू किया, सपोज करते हैं ओपनिंग कैपिटल,
आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपीज से, क्लियर? ठीक है, 1 लाख रुपीज से मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को रन कर रही हूँ मैं लगातार कंटिन्यूअसली, मेरा बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैंने लास्ट में देखा 31 मार्च को जो मेरी कैपिटल थी वो मेरी कैपिटल हो गई थी 2,50,000। मतलब मैंने बिजनेस तो 1 लाख रुपए से किया था, लेकिन एंड में जब मैंने देखा मेरे पास पैसे कितने थे, 2.5 लाख रुपए थे, 2,50,000। और यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है मैंने 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, 1 लाख रुपए लगाने के बाद मेरे पास हो गए 2.5 लाख रुपए। मतलब मैंने कितना पैसे कमा लिया, 1,50,000 रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपीज का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इज दैट ओके? ठीक है, 1,50,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है ये बिजनेस 1 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्रॉफिट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? इन केस अगर आपका ये जो है क्लोजिंग कैपिटल कम है और ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा, आपका आंसर माइनस में आता है, तो इनकेस आप लॉस सफर कर रहे हैं, बिजनेस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस में आंसर तो लॉस है, प्लस में आ रहा है तो आंसर प्रॉफिट है। फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए प्रॉफिट किस तरीके से होगा। जब आप जितना पैसा लगाते हैं और उससे ज्यादा कमा रहे हैं, उससे ज्यादा आपके पास एंड में है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, और उससे कम है तो जाहिर सी बात है आपका लॉस हो रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, अब मुझे एंड की कैपिटल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? एंड की कैपिटल। आपने बिजनेस शुरू किया, यहां पर मैं लिखती हूं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, लॉजिक वाइज करिएगा, लॉजिक वाइज समझिएगा, कुछ भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है आप इन्हीं को करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपको इससे फॉर्मूला बनाने होते हैं। आप इस फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th तक मैथ्स पढ़ के आए हैं, आपको पता है इन्हीं फॉर्मूलाज को शफल करके इधर उधर घुमाकर आप कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, इससे आप ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको चीजें समझनी है, रटना कुछ नहीं है, चीजों को समझिए। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड होगी? ओपनिंग कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वेरीफाई होगा। आपने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपीज से, ठीक है। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितना भी आप पैसा कमाते हैं, वो आपके पास आया है, ऑब्वियसली बात है। रिवेन्यू होती है हमारी इनकम, क्या होती है? इनकम, प्रॉफिट, जो भी आप अर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस ओपनिंग कैपिटल में हमने उस रिवेन्यू क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि उस रिवेन्यू से उस प्रॉफिट से बढ़ा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इंक्रीज होगा तो हम प्लस करेंगे, क्लियर। अब जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते टाइम आप कुछ खर्चे भी करते हैं, ऑब्वियसली बात है। मैं बिजनेस में पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने कोचिंग का एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, एडवर्टीजमेंट करने में खर्चा होगा, जाहिर सी बात है। मैंने कोई ऑफिस रेंट पर ले रखा है तो उसका रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, कोई भी आपके चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो वो एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, आपके पास से तो पे कर रहे हैं, तो आपकी कैपिटल को वो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको डिडक्ट कर देंगे। तो आपके जितने भी खर्चे हैं वो माइनस कर दीजिए। पूरे साल में आपने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, होल ईयर, यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया वो आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल में एड कर दिया। ठीक है, और जितने भी आपने खर्चे किए वो आपने अपने कैपिटल से डिडक्ट कर दिए। डिडक्ट करने के बाद आपके पास जो एंड में, क्योंकि आप कंप्लीट ईयर की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो जो आपका फाइन हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर वो क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल आपकी फाइन हो जाएगी। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हमने क्या समझाया, क्या करा है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमने यहाँ पर भी समझा था, आप कहेंगे प्रॉफिट तो हमने यहाँ पर भी समझा मैम। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, एक और तरीके से प्रॉफिट फाइन हो सकता है। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, हमने जो किए थे अभी, उसमें भी हमने देखा था जब भी प्रॉफिट होता था हमें तो हम कैपिटल में ऐड करते थे। ठीक, तो यहां पर हमें प्रॉफिट कैसे फाइन करना है, प्रॉफिट कैसे फाइन कर सकते हैं, देखिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी कुछ, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल थी, क्लियर हो गया। आप कुछ एडिशनल, अब क्या होता है, 1 अप्रैल को मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जो पैसा लगाया था वो ओपनिंग कैपिटल था। ठीक, पूरा साल चलता गया, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे मेरा बिजनेस और ग्रो करेगा, तो मैंने और भी इन्वेस्टमेंट कर दिया बीच में ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिशनल कैपिटल।
तो हमने एडिशनल कैपिटल भी कुछ इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। तो इनसे दोनों से क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जो मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर किया था और जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर किया था। यहाँ पर जो सेंटर में कोई भी सेंटर नहीं है कह सकते हैं उसको, हम ये कह सकते हैं अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने वो दिसंबर में किया है, नवंबर में किया है, वट एवर आप कभी भी कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपका एडिशनल कैपिटल हो गया, ये चीज से कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही थी। अब क्या होता है, जैसे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है कभी कभी मुझे पर्सनल नीड हो सकती है पैसों की, तो मैं अपने बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकती हूँ, ये भी चीज क्लियर है, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और आपको पता है जब ड्रॉइंग्स करते हैं तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है ना, तो हमने वो ड्रॉइंग्स जो की थी वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि हमें पता है हमारा कैपिटल, हमारे पास इतना पैसा था, ठीक है, उस पैसे में से हमने ड्रॉइंग्स हटा दी, ठीक। अब एंड में जितनी कैपिटल बची हुई थी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल जो थी, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो एंड ऑफ द ईयर थी, वो हमारा भी जो हमारा लास्ट लेस करने वाला पोर्शन था, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये तो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल था, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए प्रॉफिट फाइंड करेंगे। हमें प्रॉफिट फाइंड होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल लिया, क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स जो आप करते हैं पूरे साल में, ड्रॉइंग पैसा विड्रॉ करते हैं दोनों चीजें, उसमें से आपने एडिशनल कैपिटल हटा दी, ओपनिंग कैपिटल हटा दी, तो आपका प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और जो लास्ट में बचा था, ठीक है, और जो ये चीज होगी लास्ट वाली क्लोजिंग कैपिटल होगी वो हमेशा ज्यादा ही होगी और कम होती है तो इनकेस आप लॉस सफर कर रहे हैं, जो भी आपका ब्रैकेट में होगा, ठीक है, आंसर आएगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम है। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कि एडिशनल कैपिटल जितना पैसा लगाया था, ड्रॉइंग आपने इतना पैसा निकाला था ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आपने यहाँ पर भी देखा है, इसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं चार फॉर्मूला से आपके जो है और भी क्वेश्चंस फॉर्मूलाज बन सकते हैं और सारे ही क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होंगे जो आप सॉल्व करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करते हैं, उससे हम इन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन वन करते हैं जिसमें हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाता है। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 रुपीज, आपको बिजनेस की कैपिटल की मैंने 70,000 एंड लायबिलिटीज आर ऑफ रुपीज 40,000 आपको बिजनेस की लायबिलिटीज भी बने। कैलकुलेट द टोटल एसेट, सिंपल टोटल एसेट आपको एसेट्स फाइंड करनी, टोटल एसेट्स कहें या फिर एसेट्स कहें बोथ आर सेम। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लास वन से हम सीख रहे हैं, जो हमने वीडियो वन अपलोड की थी उसमें भी हमने यही क्वेश्चन समझी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। आपको क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है 70,000 रुपीज, ओके, लायबिलिटीज गिवन है 40,000 रुपीज, वैल्यू पुट करनी सभी बच्चों को आती होगी, 40 और 70 1,10,000 रुपीज। तो हमारी एसेट्स कितनी हो गई है, 1,10,000 रुपीज, इज दैट ओके। नेक्स्ट कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज, आपको यहां पर फाइंड करनी है टोटल लायबिलिटीज। इफ ओनर कैपिटल इन द बिगनिंग, यानी कि हमें क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है बिगनिंग की, कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितनी है हमारी 50,000 रुपीज। रिवेन्यू इनकम, ठीक है, रिवेन्यू गिवन है आपकी 70,000 रुपीज। एक्सपेंसिस जो बिजनेस के खर्चे हैं वो है आपके 65,000 रुपीज, 65,000। हमें कैलकुलेट ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड, एट द एंड मतलब इसको हम ये कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इजी लैंग्वेज में क्लोजिंग कैपिटल इज दैट क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले हम फाइंड करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, फाइंड कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, इजी है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि जब हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर पाएंगे तभी हम टोटल लायबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था
प्लस जितनी आपकी इनकम है माइनस जितने भी आपने खर्चे किए एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, रिवेन्यू इज 70,000 माइनस एक्सपेंसेस इज 65,000। इसको आप करेंगे 65 इसमें से माइनस कर देते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो आंसर 65,000 हो जाएगा। ये दोनों 1,30,000 है, 1,30,000 में 65,000 माइनस करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज 65,000। तो आपकी ये चीज फाइंड हो चुकी है, जो एंड ऑफ द कैपिटल है वो आपकी आ चुकी है 65,000। नेक्स्ट सेकेंड, इन्होंने कहा है टोटल लायबिलिटीज फाइंड कीजिए, फाउंड कीजिए। तो टोटल लायबिलिटीज कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर आपको लायबिलिटी गिवन है 50,000, ठीक है। लायबिलिटी है आपके पास 50,000 प्लस आपको ये चीज पता होगी जो हमारी कैपिटल होती है वो भी लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। तो लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटीज है हमारी 50,000 और कैपिटल है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल आई है आपकी 65,000। इन दोनों का आप सम करेंगे, टोटल लायबिलिटीज आपके पास साइन हो जाएंगी, दैट इज 1,15,000। बोथ आर ओके, दोनों ही क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आई है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इसके तीनों पार्ट कंटिन्यूअसली लाइन वाइज देखिएगा, पहले पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3, आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप इस वीडियोस देखने के बाद टेलीग्राम पर जो है PDF सेंड करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो वॉच कीजिएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कितना ईजी है, ठीक है। ईजी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आपके लिए इसमें एग्जाम के लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छे से एंजॉय कीजिए मेरी वीडियोस को और अकाउंट्स को सीखते ही रहिए मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।